8 जुलाई 2016 को एक एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी मारा गया। पाकिस्तान ने बुरहान को ही घाटी में आतंक का पोस्टर बॉय बनाकर आतंक की नई फसल बोने की साजिश रची थी, लेकिन 2016 में ही शुरू हुआ सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। ऑपरेशन ऑल आउट को आतंकियों का डेथ वारंट बनाने के लिए नई रणनीति बनाई गई। आतंकियों से निपटने के लिए तरीकों को बदला गया, खुफिया तंत्र को ज्यादा सक्रिय किया गया ताकि आतंकियों की सटीक जानकारी मिल सके। आतंक प्रभावित जिलों का सर्वे कर खूंखार आतंकियों की लिस्ट जारी की गई। आतंकियों को तलाशने के लिए घने जंगलों से लेकर तंग गलियों तक लंबे लंबे सर्च ऑपरेशन चलाए गए। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम को ऑपरेशन में शामिल किया गया। जमीन पर ऑपरेशन ऑल आउट का असर दिखने लगा। आतंकियों की सटीक लोकेशन मिलने लगी। यह ऑपरेशन ऑल आउट का ही असर है कि जहां 2015 में कुल 108 आतंकी मारे गए थे, वो 2016 में बढ़कर 150 हो गए और 2017 में बढ़कर 213 हो गए। 2018 में अब तक 204 आतंकी मारे जा चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि साल दर साल आतंकियों का खात्मा बढ़ रहा है। हालांकि आतंकियों के खात्मे के साथ ही जवानों की शहादत के मामले भी बढ़े। 2015 में 39 शूरवीरों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, 2016 में 82 सुरक्षा बल और 2017 में 80 सुरक्षा बल आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए। अबू दुजाना, अबू इस्माइल, सबजार भट्ट, समीर टाइगर, सद्दाम पाडर, एएमयू स्टूडेंट से हिजबुल कमांडर बना मन्नान वानी, जैश ए मोहम्मद का कमांडर मुफ्ती यासीन, लश्कर ए तैयबा का कमांडर मेहराजुद्दीन बांगरू। ये फहरिस्त लंबी है। आतंकी अपना कमांडर बनाते रहे और जवान उन्हें मौत की नींद सुलाते रहे। 2015 की इस तस्वीर को देखिए। बुरहान के साथ 11 आतंकियों ने खौफ फैलाने के लिए यह तस्वीर जारी की थी। अब इस तस्वीर का कोई भी आतंकी जिंदा नहीं बचा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जवान आंख मूंद कर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। ऐसी कोशिशें लगातार हो रही हैं कि आतंकी गोली खाने की जगह हथियार डाल दे। कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ, फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान ने बहके हुए आतंकियों के मन का ऐसा भेजा फ्राई किया है कि उन्हें गोली के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की जीवन रेखा भी छोटी होकर औसतन 6 महीने ही रह गई है। ऑपरेशन ऑल आउट के डर से कई आतंकी हथियार डाल चुके हैं। सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है।